अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखें जी ड्रेस, इस ड्रेस के साथ आज हम आईज मेकअप डन करने वाले हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ली है मैंने ग्लोइट की हांडी बेस, इसका FW1 शेड लिया है मैंने। इसको अपनी आईज पे अप्लाई कर लेंगे। आप ब्रश की मदद से करें या फिंगर की मदद से करें वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये लिया है मैंने बी क्यूट का फेस पाउडर, इसको अब हम अपनी आईज के ऊपर अप्लाई करने लगे हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हम इस पर आई शेड्स का यूज़ करेंगे। ये लिया है जी मैंने स्वीट फेस की आई शेड पैलेट, इसमें से लिया है मैंने लाइट ग्रीन शेड, इसको हम अपनी आई लिड पे अप्लाई करेंगे। इसको भी आप ब्रश की मदद से करें या फिंगर की मदद से करें, ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये ली है ABH नोरवीना की आई शेड पैलेट, इसमें से ये मारून शेड लिया है मैंने। ये थोड़ा सा पार्ट मिसिंग हो गया है लेकिन दोबारा मैं आपको ये शेड लगा के दिखा रही हूँ उसी के ऊपर कि इसको मैंने किस तरह से अप्लाई किया है। ये दोबारा उसी पैलेट में से मैंने ग्रीन शेड लिया है, डार्क ग्रीन शेड है ये, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। अपने आईलिड की तरफ इसको हल्का हल्का ब्लेंड करके इसको कॉर्नर पे ही ब्लेंडिंग करनी है इसकी। हल्का सा हमें इसे आईलिड पे लिड पे ले जाना है। ये दोबारा से मैंने मारून शेड लिया है, इसको हम आउटर कॉर्नर पे लगा रहे हैं। नीचे भी मैंने वही मारून शेड लिया है और अपनी वाटर लाइन के नीचे लोअर लैश के पास मैंने ये अप्लाई किया है शेड। ये छोटा सा पीदा सा ब्रश लिया है, ये डार्क मारून शेड लिया है मैंने उसी पैलेट में से, इसको मैं दोबारा इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और ये लिया है जी मैंने डल गोल्डन शेड, इसको हम इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। इसी शेड को हम अपनी आई बोन पे भी लगा लेंगे। थोड़ा सा ब्रश को वेट कर लें या वेट किए बगैर लगाएं, लेकिन वेट करके लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त शेड आएगी। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने अभी तक आईब्रो को शेप नहीं दी। ये लिया है मैंने क्रिस्टाइन का आईब्रो शेड, कंटोरिंग कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसको, कंटोर के लिए भी और आईब्रो के लिए भी। इसका डार्क शेड लिया है मैंने आईब्रो के लिए। इनर कॉर्नर के लिए मैंने दोबारा से शेड नहीं लगाया, मैंने उसी ब्रश के साथ ही हल्का हल्का उसको ब्लेंड किया है। और ये वाइट काजल लगा लें या वाइट पेंसिल लगा लें अपनी वाटर लाइन पे। और ये मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ आईलैश लगाने से पहले।
ये मैंने लैशेस गम ली है फेस सिट की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।